फ्रेंड्स, अगर आप भी बैंगन लवर्स हैं और बैंगन की रेसिपीज बहुत पसंद करते हैं तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बैंगन की और टमाटर की चटपटी चटनी। तो बैंगन टमाटर की चटपटी चटनी जो है मैं हमेशा से बनाती हूँ और बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनता है। तो मैं आपके साथ मेरी ये सीक्रेट रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं बैंगन की चटनी कैसे बनेगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बैंगन लिया है, ये भरते वाला बैंगन है जिसे हम भरता बनाते हैं, तो आप कोई भी बैंगन यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने चार टमाटर लिए हैं। टमाटर हम चाहे तो अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग कितना भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप चार से या छह टमाटर ले लें अगर आप एक बैंगन ले रहे हैं। यहाँ पे मैं दो पर्सन के लिए बना रही हूँ। तो सबसे पहले हम बैंगन को अच्छे से कट कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से मैंने बैंगन को जो है कट कर लिया है, इस तरह के थोड़े से बड़े साइज, बहुत छोटे भी नहीं है। और यहाँ पे मैंने जो है पांच टमाटर लिया हुआ था, इसे भी मैंने अच्छे तरीके से कट कर लिया है। तो चलिए अब हम बैंगन की चटनी बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है, कढ़ाई गर्म हो गया है और अब मैं इसमें सरसों का तेल ऐड करूंगी। तो सरसों के तेल में ये जो बैंगन की चटनी है बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनती है फ्रेंड्स। तो हो सके तो आप सरसों का ही तेल यूज कीजिएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बिल्कुल देसी फ्लेवर आता है। और तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो मैं यहाँ पर एक चम्मच मेथी ऐड करूंगी, इस चम्मच से एक चम्मच मेथी। और इसमें डालूंगी मैं एक चम्मच जीरा। तो जीरा और मेथी अच्छे से चटकने लगेंगे तभी मैं इसमें ऐड करूंगी बारीक कटा हुआ छह से सात कलियों का लहसुन, इसे ऐड कर देते हैं। और लहसुन को थोड़ा सा हल्का ब्राउन हो जाए उसके बाद हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। अभी हल्का सा ब्राउन हो गया है तो मैं इसमें प्याज ऐड कर दूंगी। तो ये एक छोटे साइज का, मीडियम साइज का प्याज है। और इसके साथ ही मैं ये हरी मिर्च ऐड कर दूंगी। इन सभी को अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे और प्याज को हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे रोस्ट करना है ताकि इसका फ्लेवर अच्छे तरीके से ऑयल में आ जाए और लहसुन का, हरी मिर्च का फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे। तो यहाँ पर प्याज जो है इस तरीके से ब्राउन हो गए हैं, ये देखिए हल्के से ब्राउन हुए हैं, ज्यादा नहीं। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये बैंगन को। फ्रेंड्स, ये बैंगन की बिल्कुल देसी स्टाइल चटनी है और अगर आप इसे बनाते हैं तो इसका स्वाद आप खाने के बाद ही आपको पता चलेगा कि ये कितना डिलीशियस है। आप रोटी के साथ में, पराठे के साथ में, राइस के साथ में कभी भी आप इसे बनाएं और झटपट बन जाता है, आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो बस मैं इसे लो फ्लेम पे अब कंटिन्यू से हम रोस्ट करेंगे जब तक कि बैंगन अच्छे तरीके से गल नहीं जाते। तो यहाँ पर बैंगन जो है लगभग गल गए हैं तो अब हम इस स्टेज पे इसमें नमक और हल्दी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे नमक जो है स्वाद अनुसार जाएगा और क्योंकि इसमें टमाटर भी ऐड करेंगे तो थोड़ा सा नमक ज्यादा लगेगा, तो मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड कर देती हूँ और आधा चम्मच जो है हल्दी ऐड कर देती हूँ। और इन सभी को अच्छे से मिक्स करके हम इसे फिर से अच्छे तरीके से थोड़ा और रोस्ट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितने अच्छे तरीके से कुक हो गया है। तो बस अब ये सही स्टेज है, इसमें हम कटे हुए खट्टे देसी टमाटर ऐड करेंगे और इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स करके टमाटर को गल जाने तक, जब भी टमाटर अच्छे तरीके से गल नहीं जाता तब तक हम इसे पकाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, टमाटर अच्छे तरीके से गल गए हैं और ये देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से गल गए हैं। तो अब हम जो है फ्लेम को थोड़ा मीडियम टू हाई करेंगे और इसे अच्छे तरीके से मैश करते हुए हम इसे कंटिन्यू चलाएंगे। अब हमें जो है मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे कंटिन्यू चलाना है और इसे हल्का हल्का मैश करते जाना है।
तरीके से हम मैश कर देंगे और टमाटर जो अच्छे तरीके से गल गए हैं उन्हें भी अच्छे तरीके से मैश कर देंगे, एक साथ कर देंगे सारी चीजों को। फ्रेंड्स ये बहुत ही देसी तरीका है और बहुत ही देसी बैंगन की टमाटर की चटनी है जो कि अक्सर जो है मैं बनाती हूँ और बहुत ही टेस्टी लगती है। एक बार आप इस तरीके से टमाटर बैंगन की चटनी जरूर बनाकर देखिए। ये देखिए ये अच्छे तरीके से मैश हो गए हैं और कितने बेहतरीन दिख रहे हैं। तो अब इस स्टेज पे मैं जो है ये हरे हरे ताजे धनिया पत्ती ऐड कर रही हूँ। इससे जो है बैंगन की चटनी में बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाएगी और फ्रेशनेस बनी रहेगी और इसे भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। ये देखिए हमारी बैंगन की चटनी जो है तैयार है और बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस चटनी है फ्रेंड्स। तो बस ये रेडी है, अब हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं और सिर्फ प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारी बैंगन की चटनी रेडी है और इसे मैं जो है सर्विंग बोल में डाल दूंगी। तो फ्रेंड्स आप भी इस रेसिपी को जरूर बनाइएगा और अगर ये बैंगन की चटपटी चटनी पसंद आए तो आप रेसिपी को जरूर लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल विदान किचन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे। तो फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।